नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का बॉक्स मेथड। चलिए उसके लिए क्या करते हैं। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम लोग जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं 4, 2, 3 और 3, 2, 5। ठीक है, तो इसमें थ्री डिजिट है, तो हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारा 3 रो है, 3 कॉलम है। इस तरह से ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद जैसे 4, 2, 5 है तो इसको ऊपर में लिख देंगे 4, 2, 5। ठीक है, लिख दिए। उसी तरह 3, 2, 5 है, 3, 2, 5 को भी लिख दिए रॉ कॉलम में 3, 2, 5। ठीक है, अब रॉ भी कंप्लीट हो गया, कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 है 3 है। ठीक है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 12 होता है। इसको लिखेंगे 1 और 2, लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम के लिए 2 है और 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो 6 होगा, तो हम लोग 6 को ऊपर में 0 और नीचे में 6 लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया 0 और 6। नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़ते हैं, और है 5 और 3 है, इसको लिखेंगे 15 होता है, तो 1 और 5 लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम को में जाते हैं, यहाँ 4 है 2 है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होता है, तो 8 को हम लोग लिखेंगे 0, 8। ठीक है, इस तरह से 0, 8 लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जा रहे हैं, 2 है 2 है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो फिर वही 0, 4 लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम में 5 और 2, 5 इंटू 2 10, 10 हो गया। ठीक है, अब इस कॉलम के लिए देख लेते हैं, 5 है और 4 है, 5, 4 होगा 20, तो 20 हम लोग लिख लिए 2, 0। ठीक है, 20 हो गया। इस कॉलम के लिए भी देख लेते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर 5 है, इधर 2 है, तो हो गया 5 टू 10, 10 लिख लिए। उसके बाद लास्ट कॉलम बचा 5 और 5, 5 इंटू 5 25, लिख दिए। अभी क्या हो गया, एक कंप्लीट हमारा जो है सर्कल फुल हो गया है बॉक्स। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 5 का एक लाइन बन गया, ये लाइनें बन गया, सभी एक एक लाइन जो है सेपरेट सेपरेट बन गया। अब क्या करेंगे, इस सब को ऐड कर दें, जैसे 5 है तो 5 को ऐड कर दिए। अब इस रो में 0 है 2 है 0 है, इसको ऐड कर दिए तो 2 हो गया। ठीक है, अब इस लाइन में देखें, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 हो गया, तो 11 यहाँ लिख लेंगे, और कैरी का हो गया 1, तो 1 को नेक्स्ट रो में ऐड करेंगे, 2 हो गया 8 16 हो गया 2 18 हो गया, तो 18 का हम लोग लिखेंगे 8, यहाँ पे कैरी का बच गया 1, तो नेक्स्ट रो में लिखेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाता है, 3 हो गया 3 लिख लिए। ठीक है, यहाँ कैरी का कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सभी को ऐड करने के बाद हम लोग क्या होगा, जो भी मिला मुझे ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी आसानी तरह से बना सकते हैं, और हमारा टाइम भी सेविंग होता है अगर हम लोग रेगुलर मेथड से करते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि ये भी 3 डिजिट है। ठीक है, इसमें भी 4, 8, 2 है और 4, 6, 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर रेगुलर मेथड से करेंगे इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, हम लोग 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का बॉक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिल्वी इसी तरह बॉक्स कर लीजिए, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया। ठीक है, 3 कॉलम हो गया और 3 रो भी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद वही हम फिर से लास्ट एग्जांपल में जो देखे थे वही है, 4, 8, 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, 8, 2, लिख दिए, और ये 4, 6, 5 है, 4, 6, 5 को कॉलम में लिख दिए। लिखने के बाद फिर से हम लोग वही करेंगे जो फर्स्ट एग्जाम्पल में किए थे। अभी क्या करना है, देखिए फर्स्ट रो में क्या है, 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4 होता है 16, 16 लिख दिया, और 4 इंटू 8 कितना होता है, 32 लिख लिए, 4 इंटू 2 8, तो वही 0 और 8 लिख लिए। इस बॉक्स के लिए क्या करना है, 4 है 6 है होता है 24 लिख लिए। सेम बॉक्स, 8 प्लस 6 48 हो गया, और ये करेंगे 2 इंटू 6 12 लिख लिए। इसके लिए क्या करना है, 5 इंटू 4 20 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट के लिए 8 है, यहाँ 5 है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 40 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो इसको हम लोग 10 लिख दिए। फिर वही यहाँ पे हमारा एक रो क्रिएट हो गया एक का। ठीक है,
एक वे क्रिएट हो गया है, देख लीजिए जीरो का, इसको सभी क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है, सभी को ऐड करना है रो वाइज, ठीक है। तो ये जो है जीरो का जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ टू है, वन है, जीरो है, इसको ऐड कर देंगे तो थ्री हो जाएगा, इसको एट है, ये सब को ऐड करेंगे कितना होगा, नाइन। तो ये क्या हो गया हमारा, 18, 16, 17, 4, 21, 21 का हो गया यहाँ पे वन हासिल हो गया, टू टू हो गया, तो टू टू फोर, फोर 12 प्लस कितना 12, और ये हो गया प्लस टू, तो हो जाता है 14, ठीक है। 14 लिख लिए, 14 का प्लस कैरी का हो जाता है वन, तो इसको ऐड कर देंगे, 6 9 प्लस वन 10 प्लस टू 12, 12 का टू हो गया प्लस वन हो गया, वन वन टू हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखा कितना आसानी से हम लोग इसका आंसर निकाल लिए, ठीक है, वो भी थोड़ा कम समय में। अब देखिए इसी तरह से हम लोग किसी भी डिजिट का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये जैसे कि हम लोगों का कितना डिजिट है, फोर डिजिट, फोर डिजिट, फोर डिजिट, फोर डिजिट को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए वही करेंगे, बॉक्स पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें फोर कॉलम है तो फोर कॉलम करेंगे, ठीक है, फोर कॉलम ड्रॉ किए, और फोर इंटू फोर है तो फोर रो भी ड्रॉ करेंगे, फोर रो भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अब फोर कॉलम और फोर रो हम लोग ड्रॉ कर लिए, तभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कितना है, 4 5 6 7 है, तो 4 5 6 7 को लिख देंगे रो में, और नेक्स्ट है 4 3 2 5, ठीक है, तो 4 3 2 5 को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, एक एक जगह पे लिख लिए, ठीक है। अब फर्स्ट रो को क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हम लोग प्रीवियस किए हैं, जैसे 4 इंटू 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 लिख लिए। यहाँ 5 इंटू 4 है, 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20, 20 लिख लिए। अब यहाँ पे 6 है, 4 है, 24 लिख लिए, 7 प्लस 4 28 हो जाएगा, लिख लिए। फिर इस बॉक्स के लिए भी 3 है, 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 12 लिख लिए। 12 लिखने के बाद यहाँ 5 है, 3 है, हो जाएगा 15, ठीक है। 6 है, 3 है, इतना हो गया 18, 18 हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट में बॉक्स में 7 इंटू 3 है, कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। यहाँ 4 2 8 हो जाता है, तो 8 को हम लोग लिखेंगे 0 8, ठीक है। तो अब लोग हम लोग 5 है 2 है तो 10 हो गया, इस रो में 2 6 2 12 12 हो गया, इस बॉक्स के लिए 7 प्लस 2 14 14 लिख लिए, ठीक है। अब इस बॉक्स लिए बताइए, 4 है 2 है, 4 इंटू 20 हो गया, 20 लिख लिए, ठीक है। यहाँ 5 है 2 है, 25 लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। यहाँ 6 है प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30 30 लिख लिए। यहाँ 7 है प्लस 5 क्या हो जाएगा, 35। अभी हमारा एक रो बन गया, नया रो क्रिएट हो गया है, ठीक है। नया रो जैसे कि सभी देख रहे हैं, एक रो क्रिएट हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, ये सभी को ऐड कर दें, जैसे 5 है तो 5 ऐड कर दिए। नेक्स्ट के लिए कितना, 4 3 7 हो गया, 7 लिख लेंगे, 7 लिख लिया, ठीक है। 7 लिखने के बाद नेक्स्ट में जाते हैं, 5 3 8 10 11 12, ठीक है। इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 12 12 का, और यहाँ पे कैरी का 1 हो जाता है, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 22, इसको ऐड करने के बाद हो जाता है 22, ठीक है। तो 22 हो गया, तो 22 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 2, और कैरी का कितना हो गया, कैरी का 2 हो गया, ठीक है। तो इसको फिर से ऐड करेंगे तो 4 8 9 प्लस 4 4 14 15 23 25, ठीक है। तो हम लोग 25 का 5 लिख रही है, और 2 जो है कैरी हो गया, 2 कैरी हो गया, तो इसको 2 2 4 1 5 प्लस 2 7, ठीक है, 7 लिख दिए, और कैरी का कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 9 हम लोग लिख डालेंगे, और कैरी का कुछ भी नहीं तो 1 है, तो सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
आंसर। इसी तरह से हम लोग किसी भी डिजिट का, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, जो भी डिजिट का हम लोग बॉक्स ड्रॉ करके इजीली वे में बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।